नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैंडी, सैंडिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए देखते हैं नेताजी नगर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों वैसे आपको बताऊं, खासकर ये जो प्रोजेक्ट है ये टोटल करीब इसकी जो कॉस्टिंग होगी तकरीबन 10,000 करोड़ के आसपास होगा, रेजिडेंशियल प्लस आपका कॉमर्शियल। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो हम देख रहे हैं ये रेजिडेंशियल का है और अभी इसका टेंडर अवार्ड नहीं हुआ है। उसका कारण है दोस्तों, वही बताऊँगा आपको। तो इसका वैसे टेंडर सब कुछ बन चुका है लेकिन अभी अवार्ड हुआ नहीं है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी ज़माने में यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी। ज़्यादा ऊंची तो नहीं, खैर 2 से 3 फ्लोर की बिल्डिंग हुआ करती थी, वो सारी डिमोलिश हो चुकी है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे वो यहाँ पे रहा करते थे। तो इनफैक्ट अब मैं बताऊँ आपको, आजकल क्या है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जो एक 100 सिटीज़ में प्रोग्राम चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और जो जितने भी चाहे कितने केंद्र शासित राज्य हैं वो एक DPR बना के देती हैं, जैसे कि उनके स्टेट में उन्हें क्या करना है, क्या डेवलपमेंट करना है, कोई मेट्रो बनाना है, कोई अपना कोई रेलवे का प्रोजेक्ट चलाना है या कोई ब्यूटिफिकेशन करना है सिटी के अंदर, कोई गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग वगैरह हैं उनको डिमोलिश करके कुछ नया बनाना है, और जो फुटपाथ वगैरह है या कोई एक्सप्रेसवे निकालना है, तो इनका DPR बना के ये देते हैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अप्रूव करती है, यानी उसे फाइनेंस करेगी, अप्रूव करेगी और उसे फाइनेंस करेगी उस प्रोजेक्ट को। तो उसी के अंतर्गत ये जो प्रोजेक्ट है ये भी एक उसी में से एक है जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये आता है। तो ये जो आप देख रहे हैं करंट सीन, इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, खासकर ये जो अभी बन रहा है जिसमें दिखा रहा हूँ आपको, 1,356 करोड़ रुपए है, 15-20 लाख आप मान सकते हैं। तो दोस्तों अभी एट प्रेजेंट इसकी जो कॉस्ट है वो 1,356 करोड़ है, और इसके अलावा इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो है NKG, और मैं ये बताऊँ ये NBCC का प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊँ कि जो टोटल कॉमर्शियल ये पूरा प्रोजेक्ट है दोस्तों, जैसे आपका इंटरनेशनल जो ट्रेड टावर बन रहा है खासकर नरोजी नगर का, वो भी ऐसा ही है, इसी टाइप का है। इसके अलावा एक सरोजी नगर में बन रहा है जो अब उसका भी कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों ये टोटल जो 3 प्रोजेक्ट हैं ये इसी रफ्तार से चल रहे हैं, और इसमें नरोजी नगर तो सबसे आगे है, लेकिन अभी ये जो अपना नेताजी नगर का जो प्रोजेक्ट है ये अभी आप कह सकते हैं कि इसकी कहीं कहीं पर जो ज़मीन पर पाइलिंग वर्क वगैरह चल रहा है, इसके अलावा क्या कहते हैं इसकी बेसमेंट वगैरह कहीं डल रहा है। अब कहीं देख रहे हैं आप इसका क्या बोल सकते हैं आप, इसका बेसमेंट कहीं डल रहा है, कहीं पे ये ग्राउंड फ्लोर से UG फ्लोर पे आ चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से इसका काम अभी चल रहा है काफ़ी, और मैं बताऊं कि ये जो प्रोजेक्ट जब थोड़ा बन जाएगा तो इसकी नीलामी कर दी जाएगी। तो इसमें से जो प्रोजेक्ट का पैसा मिलेगा वो प्रोजेक्ट यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, जो बिल्डिंग डिमोलिश हो चुकी उसमें ये पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, मतलब इसी प्रोजेक्ट में से पैसा आएगा और उसमें इन्वेस्ट होगा। तो इसी तरीके से ये सारा प्रोजेक्ट चलता चलेगा। तो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि क्या कहते हैं गवर्नमेंट को उसके इसी जगह से पैसा निकाला उन्होंने और उसी जगह इन्वेस्ट कर दिया। नो डाउट इसमें आप समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा बड़ा एरिया तो नहीं है, लेकिन हाँ इस ज़मीन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए 1,356 करोड़ आप मान सकते हैं। तो एक एक जो प्रोजेक्ट होगा किसी की कॉस्ट होगी 70 करोड़, 90 करोड़ भी हो सकती है, छोटे अगर कमर्शियल स्पेस हैं तो 20 करोड़ भी हो सकती है। तो इससे नीचे ये दोस्तों जो कमर्शियल स्पेस है यहाँ पे नहीं है, मैं आपको बता दूँ, हो सकता है कोई बहुत छोटा भी हो कोई कमर्शियल स्पेस तो वो आपको 10 करोड़ में मिल भी जाए, लेकिन इसकी बिडिंग होगी और मेरे ख्याल से लगता है जो भी इसमें PSU वगैरह हैं और जो प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो इसे बिड करना चाहती हैं कोई, तो अप्लाई करेंगी वो, तो जो भी कोई प्राइवेट सेक्टर भी इसमें अप्लाई करना चाहता हो वो भी अपने अप्लाई कर सकता है। तो कुल मिला के दोस्तों ये प्रोजेक्ट अभी अपने फुल स्विंग में है, ऊपर ज़मीन से आ रहा है धीरे धीरे, कहीं कहीं पे अभी इसका आप समझ सकते हैं कि बेसमेंट भी डल रहा है, और ये अभी एट प्रेजेंट ये इसकी ये लोकेशन है। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और इसी तरीके से ये प्रोजेक्ट धीरे 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 आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये साउथ दिल्ली एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज का एक बहुत बड़ा हब होगा।
साउथ दिल्ली का मैं कहूँ, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था सरोजनी नगर, नेताजी नगर और नरोजी नगर, तीनों जगह पे ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसी टाइप के। तो आप समझ सकते हैं साउथ दिल्ली वालों की किस्मत और प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ेंगे नो डाउट। और इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली का डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है, राज्य सरकार का कम से कम इंटरफेरेंस होता है, खासकर यहाँ के सरकारी प्रोजेक्टों में। तो यहाँ पे दिल्ली में आप समझ सकते हैं कि आपका आधी दिल्ली में तो सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो लोकल गवर्नमेंट है उन्हीं की बिल्डिंग से बनी हुई हैं। तो इसी तरीके से दिल्ली में कई जगह पे आपको ये इसी टाइप से प्रोजेक्ट मिलेंगे आने वाले समय में, और आपको इसी तरीके का डेवलपमेंट दिखेगा। इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको ये एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आता रहूँगा, दिखाऊँगा, और आप इसे देखिए और समझिए। जिनको ख़रीदना है वो ख़रीदिए, जिनको नहीं ख़रीदना है कोई बात नहीं। इसी के साथ मैं कहूँगा दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।